मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश के महान विचारक श्री अरविंदो की जन्म जयंती भी है। साल 2022 में उनका 150वां जन्म जयंती का पर्व है। श्री अरविंदो भारत के उज्जवल भविष्य के स्वप्न दृष्टा थे। वो कहते थे कि हमें उतना सामर्थ्यवान बनना होगा जितना हम पहले कभी नहीं थे। हमें अपनी आदतें बदलनी होगी, एक नए हृदय के साथ अपने को फिर से जागृत करना होगा। श्री अरविंदो की ये बातें हमें अपने कर्तव्यों का ध्यान दिलाती है। एक नागरिक के तौर पर, एक समाज के तौर पर हम देश को क्या दे रहे हैं, ये भी हमें सोचना होगा। हमने अधिकारों को हमेशा महत्व दिया है, उस कालखंड में उसकी जरूरत भी रही है, लेकिन अब हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि बनाना है, सर्वोपरि रखना है। जिन संकल्पों का बीड़ा आज देश ने उठाया है, उन्हें पूरा करने के लिए हर जन को जुड़ना होगा, हर देशवासी को इसे ओन करना होगा। देश के जल संरक्षण का अभियान शुरू किया है तो हमारा कर्तव्य है पानी बचाने को अपनी आदत से जोड़ना। देश अगर डिजिटल लेन देन पर बल दे रहा है तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी कम से कम कैश वाला ट्रांजेक्शन करना। देश ने लोकल फॉर वोकल का अभियान शुरू किया है तो हमारा कर्तव्य है कि ज्यादा से ज्यादा स्थानीय उत्पादों को खरीदे। देश के प्लास्टिक मुक्त भारत की जो हमारी कल्पना है, हमारा कर्तव्य है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को इस्तेमाल पूरी तरह हमें रोकना होगा। ये हमारे ही कर्तव्य है कि हम अपनी नदियों में गंदगी न डालें, अपने समंदर के किनारों को स्वच्छ रखें। हमें स्वच्छ भारत मिशन को भी एक और नए मुकाम तक पहुंचाना है। आज जब देश आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो हमें इस आयोजन से जुड़ना भी, उसके में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना, संकल्पों को बार बार जगाते रहना, ये हम सबका कर्तव्य है। अपने स्वाधीनता संग्राम को ध्यान में रखते हुए आप जो भी करेंगे, जो भी अमृत की बूंद की तरह अवश्य पवित्र होगा। और कोटि कोटि भारतीयों के प्रयास से बना ये अमृत कुंभ आने वाले वर्षों के लिए प्रेरणा बनकर उत्साह जगाएगा।